टीम इंडिया वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बाद में पहले टेस्ट मैच खेल रही है। ये टेस्ट मैच इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में हो रहे हैं, लेकिन इस टेस्ट मैच में टीम इंडिया बहुत ही पिछड़ चुकी है। वनडे वर्ल्ड कप के बाद में ये पहला मैच है जिनमें विराट कोहली और रोहित शर्मा की वापसी हुई है, लेकिन जब ये खिलाड़ी एक बार फिर से मैदान पर उतरी तो ये खिलाड़ी कुछ खास प्रदर्शन कुन कर पाया। रोहित शर्मा मात्र 6 रन बना के पवेलियन लौट गए, तो आगे विराट कोहली भी 38 रन की पारी खेली और एक बार फिर से पवेलियन लौट गए। बात करूँ टेस्ट मैच के बारे में, तो टेस्ट मैच में टीम इंडिया पहले बैटिंग करी है और बैटिंग करते टाइम पर टीम इंडिया अब तक 155 रन पर 6 विकेट गंवा चुके हैं, और ये जो 6 विकेट गंवाई इनमें से 4 विकेट तो रबाडा ही ले लिए। और बात करूँ टीम इंडिया के बारे में, तो टीम इंडिया को साधु ठाकुर और केएल राहुल धोनी अभी क्रीज में बैटिंग कर रहे हैं, और देखने होगा केएल राहुल और साधु ठाकुर ई पारी ने कर तक लेके जा सकें। साउथ अफ्रीका और इंडिया को टेस्ट मैच को आज को पहले दिन है, लेकिन पहले दिन टीम इंडिया थोड़ी पिछड़ती नजर आ रही है, लेकिन हो सके टीम इंडिया अगले कुछ आने वाले दिनों में अपनी भरपाई पूरी कर ले। वर्ल्ड कप के बाद में रोहित शर्मा को और विराट कोहली को पहला मैच है, तो अब एक बार फिर से विराट कोहली और रोहित शर्मा की पारी के ऊपर सेकंड पारी में नजर रखें कि दोनों खिलाड़ी को प्रदर्शन करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो चौखा लगे तो वीडियो लाइक करियो और चैनल भी सब्सक्राइब करके वीडियो थर्ड दोस्तों तक शेयर भी करियो।